हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड फन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप अपनी वीडियो में इंस्टाग्राम का एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काइनमास्टर ऐप ओपन करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आपको एक वीडियो ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन वीडियो डाउनलोड करनी होगी। उसके आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो हम ब्लैक बैकग्राउंड लेके एक हमारी एनिमेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने डाउनलोड की हुई है। अब मैं वो एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये हमने एनिमेशन सेलेक्ट कर ली और अब हम इसको फुल स्क्रीन पे कर देंगे और अब हम इस पे टेक्स्ट डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ एनिमेशन है ये, 40-50 MB की है ये फुल HD रेजोल्यूशन में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर तो आपने हमारी वीडियो एडिटिंग बेस्ट वीडियो एडिटिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम हमारा इंस्टाग्राम का आईडी का जो भी टेक्स्ट होगा वो डाल देंगे। मैं यहाँ पर चैनल का नाम डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और कलर ब्लैक सेलेक्ट करके इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके, और एकदम बढ़िया से थोड़ा टाइम लगा के इसको एडजस्ट करना है सही से बिल्कुल। और इन एंड आउट पोर्शन भी सेलेक्ट कर लेना है, इस स्लाइड राइट रखना है इसको पहले शुरुआत में, और स्लाइड आउट और ट्रांजेक्शन आउट में स्लाइड लेफ्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमने इसका ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीटली वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल परफेक्टली ये वर्क कर रही है एनिमेशन। अगर आपको सब्सक्राइब बटन की भी एनिमेशन की वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर कर आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसको वीडियो को सेव कर लेंगे और जब कभी भी हमको हमारी वीडियो में इसका यूज़ करना होगा तब हम इसको वीडियो में इंपोर्ट कर कर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के लिए, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर कर। तो आप देख सकते हैं लेयर पर क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने वीडियो लेयर अभी एक्सपोर्ट की थी, और उसको फुल पे क्लिक कर कर उसकी क्रोमा के एनेबल कर देंगे। और क्रोमा की एनेबल करने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कितना अच्छा इफेक्ट आता है और कितना प्रोफेशनल लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी काफ़ी कूल टेक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।